हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज है मार्गशीर्ष माह का पहला बृहस्पतिवार। मैं भी अच्छे से नहा धो के अच्छे से तैयार हो गई हूँ, एंड आई होप कि जो लोग ये व्रत कर रहे हैं वो भी नहा धो के अच्छे से तैयार हो गए होंगे माता लक्ष्मी जी के पूजा के लिए। तो यूजुअली जब कोई पूजा होती है तो मैं काफ़ी अच्छे से श्रृंगार करती हूँ, पूरा श्रृंगार करती हूँ पूजा के लिए। तो आज तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा है, तो उनकी पूजा में तो मैं विशेष श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के दिया हुआ, उन्हीं की बरकत से हमारे घर में सब कुछ है। धन धान्य की पूर्ति है, धन की पूर्ति है, जिसकी वजह से हमारे पास सब कुछ है। इसलिए उनको धन्यवाद करने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए, उनकी पूजा के लिए मैं बहुत ही अच्छे से तैयार होती हूँ। सो चलिए आइए शुरू करते हैं पूजा की स्थापना करना। तो जो लोग आज नहीं कर पाए हैं अगले बृहस्पतिवार से करेंगे, तो उनके लिए एक बार ये क्विक रिवीजन हो जाएगा कि किस तरीके से हमें ये पूजा करनी है। तो मैं करती जाती हूँ, बोलूंगी कम करूंगी ज्यादा, क्योंकि टाइम भी कम है। तो शुरू करते हैं और देखते जाते हैं साथ साथ में कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो कल मैंने पूजा के लिए बर्तन निकाले थे, ये मैंने सब धो के साफ कर लिए हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन होते हैं, अंदर रखे हुए होते हैं डेली यूज में, तो ये इतने सारे बर्तन हमें नहीं चाहिए होते हैं। डेली यूज वाली चीजें काली पड़ ही जाती हैं, कोई कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, काली पड़ ही जाती है। तो जब भी पूजा करनी होती है तो हमें इन्हें दोबारा से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, और वैसे भी साफ कर लेना चाहिए किसी भी पूजा से पहले, क्योंकि जब बर्तन रखे हुए होते हैं ना तो तरह तरह के हाथ लगते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, कितना भी संभाल लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन हाथ लगते ही हैं। इसलिए जब भी किसी पूजा के लिए कोई भी पूजा का बर्तन आप यूज करें तो उसे अच्छे से एक बार साफ जरूर कर लें, धो लें अच्छे से। तो बहुत हुई बातें, चलिए आइए करते हैं पूजा की तैयारी हम। तो यहाँ पर अभी जो मैंने चीजें रखी हुई हैं, फूल वगैरह रखे हुए हैं, इन सबको मैं हटा लेती हूँ, साइड कर लेती हूँ। और सबसे पहले जो है, जो विशेष तैयारी है वो हम कर लेते हैं, और बाकी जो छोटी मोटी ये जो पूजा की साज सजावट है ये तो धीरे धीरे खैर फिर होती रहेगी। तो ये सारा कुछ मैंने अभी हटा लिया है यहां से। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने रखी हैं, एक तो ये मेरा पाउच है जिसमें मैं ऐसे छुट्टे पैसे जो भी मेरे पास बचते हैं कभी, तो मैं इसी में मोस्टली ऐसे डाल लेती हूँ। काफी सारा भी जमा हो गया, क्योंकि ये पूजा के समय जगह जगह पे जब हमें चढ़ावा चढ़ाना है या कहीं सवा रुपया रखना है, कहीं कुछ रखना है, तो उसमें ये बहुत आराम से यूज हो जाता है। और ये है एक मंदिर की ही है, ये सिंदूर की डब्बी है, हालांकि वो भी सिंधौरा है जो वहां मैंने रखा है, लेकिन उसमें लाल सिंदूर है। और इसमें जो है मैंने रखा हुआ है ये पीला सिंदूर, क्योंकि हमारे यहाँ पीला सिंदूर चढ़ता है, तो मैं दोनों तरह का सिंदूर जो है देवी जी पे चढ़ाती हूँ, क्योंकि मंगलसूत्र की पूजा में लाल सिंदूर चढ़ता है और मांग भरने के लिए पीला सिंदूर, तो मैं दोनों सिंदूर चढ़ा देती हूँ। खैर मेरे तरफ में, पंजाब की तरफ में तो सिर्फ लाल सिंदूर ही लगता है, बट एनीवेज कोई बात नहीं। तो अभी हम ये सारी चीजें पहले हटा देते हैं, और सबसे पहला जो स्टेप है जो कि है ये चौकी कल सजा ली थी मैंने पूरी पूरी, और सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि चावल बिछाने हैं हमें देवी जी को स्थापना से पहले। तो ये मैंने चावल ले लिए हैं, मैंने ये ऐसे कटोरी भर के चावल लिए हैं, आप चाहे तो एक मुट्ठी चावल ले सकते हैं या उससे ज्यादा या उससे कम, जैसी भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार। तो ये चावल से हमें राउंड जो है बना लेना है, सर्कल बना लेना है, उसके बाद इसको हम इस तरीके से इवन कर लेंगे और तब ये घड़ा जो है इसको हम खाली नहीं रखेंगे, इसमें हम पानी भर लेंगे पहले। तो यहाँ मेरा रखा हुआ है गंगा जल, सबसे पहले मैं डालूंगी गंगा जल, क्योंकि पूजा के लिए कलश तैयार कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल जरूर डालिए।
तो दोनों ही कलश मैं यहाँ रख लेती हूँ। दोनों कलश में सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल डाल दूंगी। 1 मिनट डाल के, ये एक में मैंने निकाल लिया, अब इसको दोनों में मैं बांट लूंगी। तो थोड़ा सा गंगा जल और ऊपर से पानी मिलाइए तो सारा का सारा जल जो है वो गंगा जल ही हो जाता है। इस तरह से दोनों में मैंने डाल दिया जल। अब हम कर लेते हैं सबसे पहले जो पानी और डालना है इसमें हमें घड़ा भरने के लिए, वो काम कर लेते हैं। तो दोनों में मैंने पानी भर दिया है, इसको सबसे पहले मैं रखूंगी ऊपर और इस तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे पूरी तरह, ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना। अब ये जो है ये है हमारा पूजा का कलश। सो इसमें मतलब जो मेन कलश है वो ये वाला है। सो इसमें सबसे पहले हम ये दो फिंगर्स जो है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों को गीला करके, एक में हल्दी एक में कुमकुम लगा के चारों तरफ कलश के हम इसको रेखांकित करेंगे। तो ये मैंने उंगलियां डिप कर ली पानी में और इस तरीके से बस हमें रेखाओं से इसे सजाना है हल्दी कुमकुम की। इससे कलश सज भी जाता है, सुंदर भी बहुत लगता है ये कलश। तो इस तरीके से हमने कलश को हल्दी और कुमकुम से सजा लिया और इसे अब हम स्थापित कर देंगे ऊपर। और ऊपर वाले कलश में, क्योंकि वो हमारा पूजा का कलश है, इसलिए सबसे पहले इसमें हम मौली बांध लेंगे। आप चाहें तो मौली दोनों में बांध सकते हैं, नहीं तो मेन पूजा के कलश में तो हम मौली जरूर बांधते हैं। तो इस तरीके से मैंने बांध दी मौली। अब एक सुपारी और 1.25 रुपया, अगर आपके पास 25 पैसे हो तो आप 1.25 रुपया डाल सकते हैं, नहीं तो 2 रुपए का सिक्का हम इसमें कलश में डालेंगे। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हाउसवाइफ हूँ, छोटे छोटे सिक्के विक्के जो है ना, छोटे छोटे पाउच में बहुत सारे इकट्ठे करती रहती हूँ, खुले पैसे इकट्ठे करती रहती हूँ, क्योंकि पूजा में ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो एक सुपारी और 1.25 रुपया ये हम डाल देंगे कलश के अंदर और थोड़े से फूल छोड़ देंगे और हल्दी कुमकुम। तो इस तरीके से मैं एक ये गुलाब का फूल जो है ये डाल रही हूं इसमें और हल्दी कुमकुम। क्योंकि कलश में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए कलश की पूजा भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी और देवी देवताओं की। सो ये देखिए, ये कल मैंने आम के पत्ते जो लाए थे वो रखे थे, ये वैसे के वैसे ही हैं। अब इसमें से जो साफ पत्ते हैं एकदम, वो चुन के मैं कलश में डाल दूंगी। तो इस तरीके से एक दो टहनियां इसमें से निकाल लेंगे और जो बचेंगी वो हम लगाएंगे अपने घर के बाहर। घर जब भी कोई पूजा होती है तो पूजा स्थल में और घर के बाहर आम्र पल्लव लगाना शुभ होता है। तो इसे वापस मैं उसी कलश में रख देती हूँ पानी वाले। ये एक्स्ट्रा डंठल सब तोड़ के, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ डंडिया तोड़ने में, लेकिन तोड़ लेती हूँ। सो जी फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पत्ते लगा के यहां तक की तैयारी कर ली है। अब सबसे पहले मैं जो है ड्रेस पहना लेती हूँ कलश पे, तब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो श्रृंगार का जो काम है वो हम पहले कर लेते हैं।
इस तरीके से जो है मैंने लहंगा पहना दिया। इस बार मैंने फर्स्ट लहंगा ग्रीन कलर में पहना है, पिछली बार ब्लू में था। तो आप चाहे तो इस तरीके से चोली भी जो है अटैच कर सकते हैं सेफ्टी पिन लगा के, और ना चाहे तो सिर्फ लहंगा और चुनरी से भी हम पूजा कर सकते हैं। सो ये अभी मैं नहीं पहना रही हूँ, बाद में मैं देख लूंगी इसको कैसे पहनाना है। तो चलते हैं ज्वेलरी की तरफ। तो ये मेरा मुखौटा है जो मैंने कल ही तैयार कर लिया था मौली वगैरह लगा के। तो ये मुखौटा है देवी जी का, लेकिन ये मैं एकदम लास्ट में ही पहनाऊंगी उनको। ये सारी ज्वेलरी है इनकी, एक एक करके पहनाते हैं। तो सबसे पहले जो है कंठी, जो थुशी है वो मैं पहना ले रही हूं। जो लोग पहली बार कर रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से कीजिएगा, कोई घाई नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब मुझे आदत हो गई है इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट कर रही हूँ काम, नहीं तो पहली बार जब मैंने शुरू किया था मैंने भी बहुत धीरे धीरे ही किया था ये काम। सो जी फ्रेंड्स, ये सारे के सारे गहने जो है ये मैंने इनको लेयर बाय लेयर करके पहना दिए हैं, और ये रहा मंगलसूत्र। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा हॉचपॉच लगे ये, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इसको एक्स्ट्रा वाले बल्कि निकाल ही देते हैं। तो लक्ष्मी हार और ये सारी चीजें इस तरीके से लेयर बाय लेयर मैंने पहनाई हुई है। मंगलसूत्र लंबा है इसलिए नीचे तक जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसमें हम लगा देते हैं ये पत्ते आम्रपल्लव, हम इसमें लगा देते हैं क्योंकि अब फाइनली हमें देवी जी के मुख का श्रृंगार करना है। तो ये नारियल है पूजा का, इसमें भी हम कुमकुम से जो है स्वास्तिक बना लेंगे सबसे पहले। नारियल पे तो बहुत जल्दी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी पूर्ण स्वास्तिक जरूर बनाएं। और अब आराम आराम से बैठ के पहले देवी जी के मुख को हम इसके ऊपर बांध लेंगे, तब मैं वहां रखूंगी इसको। तो ये मैंने लक्ष्मी जी का मुखौटा जो है ये भी बिठा लिया है। अब इनके मैं लगा देती हूँ केश। तो ये देवी जी के केश आ गए यहाँ पर। और अब इनके लिए मैंने मंगवाए थे कुछ बड़े ऐसे इयररिंग्स पूरे कान वाले, तो वो मैं आज इनको पहना रही हूँ। इस तरह के इनके लिए मैंने इयररिंग्स मंगवाए थे, सो ये पहना देंगे। इस तरह से मैंने लक्ष्मी जी के जो है इयररिंग्स पहना दिए हैं। अब जो है बेनी वगैरह लगा के, ये जो फूल होते हैं इनको बालों पे सजा के, चुनरी से माथा ढक, उनका जो शीश है उनको चुनरी से ढक के, तब फिर हम अपनी आगे की पूजा करेंगे। तो ये माता रानी का, माता लक्ष्मी जी का श्रृंगार यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब इनके आस पास जो और हमें चीजें रखनी होती है वो भी हम फटाफट रखेंगे और साथ ही में पूजा भी शुरू कर देंगे। तो आ जाते हैं ये नीचे वाले स्टेप पर अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रखने हैं पान के पत्ते। तो यहाँ पर दो पान के पत्ते हम रख लेंगे, कटे फटे ना हो, पूर्ण पान हो उस तरीके से देख के दो पान के पत्ते साफ सुथरे एकदम इस तरीके से। उसके बाद एक पान के पत्ते पे लक्ष्मी यंत्र रखेंगे, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा लक्ष्मी यंत्र और राइट हैंड साइड पे गणेश जी को रखेंगे हम। ये मेरे वही वाले गणेश जी हैं जिनको मैं डेली हल्दी कुमकुम करती हूँ, तो इसलिए ये ऐसे हो रहे हैं अभी।
कोई नहीं, इनको थोड़ा सा अच्छे से साफ सुथरा करके बाबू बना के हम बिठा देते हैं यहाँ पर पूजा में। जी यहाँ पर आ गए हमारे गणेश जी। अब जो है इन दोनों का हम पहले स्नान करवा देंगे। तो ये मैंने आम का पत्ता लिया है, इसी से मैं जो है पहले गणेश जी का स्नान कराऊंगी। गणपतये नमः, ओम। 3 बार हमने स्नान करवाया। तो ये मैंने पूजा ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, पहले देवी जी को बना के सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है, ये पूजा मैंने स्टार्ट कर दी है। तो और फिर हम गणेश जी को तिलक करेंगे। इस तरीके से तिलक कर दिया और साथ ही में जो जनेऊ है वो हम पहना देंगे और दक्षिणा रखेंगे। ये जनेऊ मैं खोलने में ना हमेशा इसे अड़ा देती हूँ। से भी खोलना सीखना पड़ेगा मुझे। तो इस तरीके से जनेऊ को मैंने खोल लिया है और यही हम इनके आसपास जो है पहनाएंगे। इस तरीके से गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे और साथ ही में इनके पास रख देंगे हम दक्षिणा। सेम तरीके से लक्ष्मी यंत्र जी की पूजा करेंगे। ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः। पहुंच के फिर ये लक्ष्मी यंत्र में यहाँ पर जितने भी यंत्र बने हैं और जो देवी जी की फोटो बनी है सब पे हम कुमकुम लगाएंगे और साथ ही में हल्दी चढ़ाएंगे। मतलब हल्दी कुमकुम इस पे हमें करना है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ भी हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। फूल अर्पण करेंगे। उसके बाद हम भोग का जो भी सामान है हमारे पास सारा वो यहाँ रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया है इनको, सब भगवान जी को। इस तरफ में मैं भोग का सारा सामान रख रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो 5 फल हैं उनको रख लेंगे। उस तरीके से 5 फल रख दिए हमने। अब दूध, ये मैंने दूध रखा हुआ था ठंडा करने के लिए, तो मंदिर के ही कलश में डाल के पूरा इस तरीके से दूध यहाँ रख दिया मैंने। साथ ही में
पचमेवा और बताशे, ये दो चीजें भी रखेंगे। तो इस तरीके से एक छोटी कटोरी में मैंने ऐसे बताशे निकाल लिए हैं, ये बताशे हम रखेंगे और साथ ही में पचमेवा रख लेंगे यहीं पर। और अब ये है मीठा पान जो बनवा के लेकर आए थे हम लोग, इसमें मसाला वगैरह कुछ नहीं लगा है। पान में जिस तरीके से मसाला लगाया जाता है वो सब चीजें कुछ नहीं लगी है इसमें, बिल्कुल सादा पान है ये। लेकिन ये प्लास्टिक के कंटेनर में है इसलिए मैं इसमें से निकाल दूंगी। यहाँ पर जो है पान भी हम रख देंगे, भी यहीं रख रही हूँ मैं नीचे ही। और फूलों से थोड़ा सा बस इसे सजा के, जो भी चीजें आपने पूजा में रखी हैं उन सब पे फूल चढ़ा देंगे। और देवी जी को सिंदूर लगा देंगे और फिर अपनी कथा शुरू कर देंगे। जो अपने फिंगर पे बच जाता है सिंदूर, वो चाहे आप चाहे तो अपने सिंदूर में लगा सकते हैं। इस तरीके से जो मांग भरी जाती है इसे अपनी मांग में ही लगा सकते हैं। सो इस तरीके से पूजा की स्थापना जो की जाती है वो हो गई है कंप्लीट। अब जो भी दिए आप पूजा में रखते हैं उनकी भी पूजा की जाती है, उन्हें भी कुमकुम वगैरह चंदन लगाया जाता है। तो इसलिए मैं इन पे भी चंदन कुमकुम लगा के तभी ही पूजा में इनको ये करूंगी। तो इस तरीके से दोनों जो दीपक है मेरे उनपे भी मैंने चंदन लगा दिया है यहाँ पर। और इसी पे कुमकुम भी लगाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, इस तरीके से चंदन और कुमकुम दियो पे भी मैंने लगा लिया है और अब बस मैं शुरू करूंगी अपनी कथा। सो ये हो गई है पूजा की सारी तैयारी कंप्लीट। फटाफट कथा करेंगे, भोग लगाएंगे। आपको ये तैयारी देखकर ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप भी ये व्रत करना चाहते हैं तो इसी तरीके से बड़े आसान तरीके से आप भी अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। सो आप लोग भी पूजा कीजिए, आनंद लीजिए, माता लक्ष्मी के अपने घर में आगमन की खुशियां रखिए, खुशियां मनाइए। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।